तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में इन दिनों 7 दिवसीय संत समागम चल रहा है। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से संत महात्मा पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रणधीर सिंह परमार। आज छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में देश के हर कोने कोने की नजर है। कारण बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। हम उसी स्थान पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से इन पोस्टरों को देख सकते हैं कि एक ही बात का जिक्र आजकल चल रहा है यहाँ पर, जय हिंदू राष्ट्र और केवल और केवल हिंदू राष्ट्र। और 7 दिनों का ये महाकुंभ यहाँ पर चल रहा है और 7 दिनों के महाकुंभ में 121 कन्याओं का विवाह होना था, जो कि अब 125 कन्याओं का विवाह होगा महाशिवरात्रि 18 तारीख को। और हम उस स्थान पर मौजूद हैं जिस स्थान की वजह से ये चर्चा का विषय बना। यहाँ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का एकदम से उठना हुआ, लोगों के वो मुरीद होते चले गए और लोग उनके यहाँ आते गए। मैं बिहार से सिवान जिला दरौली से आई हूँ, मैं दूसरी बार आ चुकी हूँ। परेशानी है, बहुत फायदा हुआ है हमको। शरीरी कष्ट था मेरा, घुटने का बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो हम यूट्यूब में देख करके और आए हैं। और ऐसे ही लोग चारों तरफ से, देश से विदेश से यहाँ धाम पर चले आ रहे हैं। और आप हमारे साथ तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ऐसी भीड़ लगातार सुबह से बनी है, 7ों दिन रहनी है और निरंतर ऐसी ही भीड़ यहाँ पर बनी रहती है। बागेश्वर धाम गड़ा गांव से कैमरामैन राहुल मालिक के साथ न्यूज 24 के लिए रणधीर सिंह परमार।